और एक चीज़ दोस्तों, जो कि ये जो जगन्नाथ मंदिर से लेके जो ओडिशा मंदिर तक जो रोड गया है उसे भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं पुरी आ रहा हूँ, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जगन्नाथ पुरी और रथ यात्रा आपको दिखाऊंगा पूरा। पहले आप दर्शन ले लीजिए। कितने सारे श्रद्धालु आए हैं और आपको दिखाता हूँ मैं आपको आगे। तो जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर से, मतलब जो उनका मौसी के मंदिर से यहाँ तक लेके आया जाएगा। और यहाँ तक देख सकते हो, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ के तीन रथ आ जाते हैं और रस्सी खींचने में जो पुण्य मिलता है वो लोगों को पता है इसलिए क्यों आते हैं, और उस रस्सी को खींचना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको थोड़ा दिखाता हूँ आगे आगे से थोड़ा सा। जो रथ है वो फिलहाल 20 तारीख को गुंडीचा मंदिर में, मतलब कि मौसी के घर पहुंच गया था और वहीं से अब खींच के वापस लेके आएंगे। तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ 3 किलोमीटर आगे आपको दिखाने के लिए। ऐसे यहीं मैंने रूम ले लिया आसपास ही मंदिर के, और भीड़ के हिसाब से ज़्यादा ही महंगा रूम हो गया। खा पी लिया, अब मैं सीधा निकलता हूँ रथ की तरफ और आपको दिखाता हूँ, पूरा फुल दर्शन देता हूँ जगन्नाथ जी के। भीड़ देखो आप पहले। तो सारे श्रद्धालु कीर्तन गाते हुए आ रहे हैं, देख सकते हो पीछे लीला ही ऐसी जगन्नाथ जी की, हर कोई मानता है इसको। तो आपको भी ज़रूर एक बार आना चाहिए जगन्नाथ पुरी। 4 धाम में से एक धाम है आपको पता ही है, और मज़ा आ जाता है। और बहुत सारे होटल नाइक प्लाजा, मेरा होटल लगे ही है। और एक चीज़ दोस्तों, जो कि ये जो जगन्नाथ मंदिर से लेके जो ओडिशा मंदिर तक जो रोड गया है उसे भी हमारे भाषा में तो बड़ो डांडो बोलते हैं, मतलब बड़ो डांडो। तो इसका हिंदी में अगर बताऊँ तो बड़ा द्वार। मतलब ये अगर रोड देखोगे सच में बहुत बड़ा है, वो स्ट्रेट है पूरा, और सामने ही महान 3 रथ साथ साथ आने वाले हैं और आपको दिखाता हूँ। 3-4 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ गुंडीचा मंदिर बिल्कुल सामने है, स्ट्रेट ही आना है। गाड़ी बैटरी है, गाड़ी सब चलती है, टेम्पो वगैरह रिक्शा सब अगर आना है। तो मैं तो खाली पैदल चल के आ गया, और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और गर्मी बहुत है क्योंकि इतने सारे लोग भी हैं और गर्मी अलग से ही बहुत ज़्यादा है। वो तो दिखाता हूँ आपको। सारी सुविधा मिल जाती है, एम्बुलेंस वगैरह सब आती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड सब सर्विस, पानी वानी पानी डलता है यहाँ पे क्योंकि इतनी गर्मी है। मेरी हालत देख के आपको लग ही रहा होगा, इसलिए देखो कितना आ रहा है, उमस बहुत है यहाँ पे। तो मेन काम है आपको 3 रथ के पास ले जाता हूँ।
Thank you.
चलो 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 चलो